जी हाँ, आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का टॉपिक है जू जियोग्राफिकल रीजन्स जो होते हैं, ये अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर है, जिसमें जो ये जीव जंतु जो होते हैं, जो फोना जो होता है उसके आधार पर जो अर्थ है उसको डिफरेंट जो जियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि लाइफ जो होता है वो अर्थ के ऊपर हर जगह मिलता है, इवन उसके एक्वेटिक में भी है, टेरेस्ट्रियल में भी है, और अलग अलग जगह पर क्या होता है लाइफ मिलता है, और लगभग हर लाइफ जो होता है वो एक उसके एक निश्चित आवास होता है, हैबिटेट होता है जहाँ पर वो रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं और उसके आधार पर ही जो होता है हमारे जो अर्थ है उसको अलग अलग भौगोलिक जो क्षेत्र हैं उन पर हमें बांट दिया गया है। इस प्रकार जंतुओं के पृथ्वी के वितरण के आधार पर के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, जू जियोग्राफी होते हैं, जू जियोग्राफी होती है। तो ये जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ के ऊपर मतलब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है एनिमल्स का होता है, उसे हम कहते हैं। इनका जो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कॉस्मोपोलिटन होते हैं, मतलब अर्थ पर हर जगह मिलते हैं, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एंडेमिक होते हैं, कुछ विशेष जगह पर ही मिलते हैं, कुछ एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब ये तो ये इसके आधार पर जो होते हैं जीव जंतु अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि कंगारू है वो हर जगह नहीं मिलते हैं, कुछ जीव क्या होते हैं हर जगह मिलते हैं, कुछ पक्षियों के बारे में बताया गया। तो ये जो अर्थ है इसका जो डिफरेंट रियाल्म है या जो रीजन है इसके बांटने के लिए कई साइंटिस्ट ने इसमें कोशिश की थी। इसके अंदर सबसे पहले जैसे कि नाम आता है स्केलेटर का, स्केलेटर ने 1857 के अंदर जो है स्केलेटर के अंदर 1857 में जो है इस अर्थ को 6 जियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया था, जिसके अंदर क्या क्या नाम आते हैं, नंबर 1 पेलियार्टिक, नंबर 2 इथोपियन, नंबर 3 इंडियन रीजन, नंबर 4 ऑस्ट्रेलियन, नी आर्कटिक और नियो ट्रॉपिकल रीजन आते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे पहले इसके में दिया था। तो इसके अंदर जो है ये है पेलियार्टिक, नी आर्कटिक, नियो ट्रॉपिकल, इथोपियन, और ये जो ओरिएंटल रीजन है इसके जगह पर उसने क्या नाम दिया था, इंडियन रीजन का नाम दिया था। तो जो स्लेटर है उसने फिर इसको दो समूह में बांटा गया था, एक का नाम है पेलियोगेनिक जिसको हमें ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं, और एक का नाम था नियोगेनिक। नियोगेनिक जो था उसके अंदर नियार्टिक और नियोट्रॉपिकल आते हैं, और बाकी जो चार बच गए पेलियार्टिक है, इथोपियन है, इंडियन है और ऑस्ट्रेलियन जो है वो किस में आते हैं, पेलियोगोनी में, यानी कि ओल्ड वर्ल्ड में, ये न्यू वर्ल्ड आता है। इसके बाद जो है और ये जो स्केलेटर ने जो एनिमल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 6 जो रीजन बांटे गए थे, ये वहाँ पर जो पक्षी जो होते हैं उनका जो वितरण है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने किया था। उसके बाद फिर A.R. वालास जो एक साइंटिस्ट थे जिसने हमारी जो अर्थ है उसको 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा था जीव जंतुओं के वितरण के आधार पर, और उन्होंने ये कहा था कि जो स्केलेटर ने जो विभाजन किया है वो एक प्रकार से बिल्कुल सही प्रकार से उपयुक्त है, और यही विभाजन जो होता है फ्लोरा के लिए भी उपयुक्त हो सकता है, यानी कि वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे मिलते हैं। तो फिर जो ये वालास ने 1962 के अंदर ये 6 जो है जो जियोग्राफिकल रीजन्स दिए थे, पेलियार्टिक, नियार्टिक, नियोट्रॉपिकल, इथियोपियन, ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन रीजन्स जो दिए थे, और इनके साथ साथ उन्होंने इनके डिफरेंट अलग अलग जो है सब रीजन्स के बारे में भी बताया था। जैसे कि हम पेलियार्टिक के बारे में पढ़ते हैं उनके सब रीजन्स के बारे में, तो क्या था, मंचूरियन, साइबेरियन, यूरोपियन और मेडिटेरियन आता है। फिर था ओरिएंटल, जो ओरिएंटल है इसके अंदर इंडियन, सिलोनीज, इंडो चाइनीज और इंडो मलयालम। फिर नेक्स्ट आता है इथोपियन, इसके अंदर क्या आता है, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और मेलागासकर। फिर आता है ऑस्ट्रेलियन जो रीजन है उसके लिए ऑस्ट्रेलो मलयालम, ऑस्ट्रेलियन, पोलिनेशियन और न्यूजीलैंड जो है, इस प्रकार उसने इन क्षेत्रों में सब क्षेत्र में जो है उसको बांटा गया था। ऐसे ही जो नियोट्रॉपिकल जो रीजन आता है, नियोट्रॉपिकल जो आते हैं उनको भी अलग अलग जो है सब रीजन्स के अंदर क्या है उन्होंने इसको बांटा था। तो ये क्या है, जैसे न्यू ट्रॉपिकल के अंदर ये है चाइलेनियन, ब्राजीलियन, मैक्सिकन
और एमटीवी बनाते हैं। ऐसे ही नई आर्टिक जो होता है उसके अंदर कैलिफोर्निया, रॉकी माउंटेन, एलिथेनी और कैनेडियन जो है, ये सब रीजन जो है, ये भी जो वालास है उसने इनके बारे में बताया था। अब हम और अपने जो सिलेबस में है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें कौन कौन से मेंबर्स मिलते हैं मोस्टली वहाँ तक जो है इसको अपने को कंसंट्रेट करना है। अब हम पहला जो रीजन है इसका नाम है पेली आर्टिक, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पेली आर्टिक है, मतलब इसके अंदर मैप में देखेंगे तो मैक्सिमम जो अपर जो रीजन होता है पूरे ग्लोब के अंदर जो होता है वो पेली आर्टिक जो रीजन होता है उसके अंदर आता है। और इसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो है भूगोलिक जो क्षेत्र जो आता है वो इसी पेली आर्टिक के अंदर आता है। और ये लगभग 1,40,00,000 जो वर्ग मील है ये इसके इतना क्षेत्र बढ़ाता है, सबसे बड़ा यही होता है। और पेली आर्टिक के अंदर क्या होता है, पूरा यूरोप है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका है, नॉर्दर्न चाइना है, यूएसएसआर है, जापान है, ईरान है, अफगानिस्तान है और बलूचिस्तान है, तो पाकिस्तान का वेस्टर्न हिस्सा जो आता है वो इसके अंदर ये आता है। ये जो पेलियार्टिक होता है ये नॉर्थ में, वेस्ट में और ईस्ट में, इन तीनों साइड से क्या होता है ये समुंदर से घिरा हुआ रहता है। और साउदर्न साइड के अंदर जो होता है इसके अंदर पेलियार्टिक रीजन जो होता है ये हिमालयन रीजन के द्वारा किसे अलग होता है, ओरिएंटल के द्वारा और सहारा डेजर्ट के द्वारा किससे होता है, ये इथियोपियन जो रीजन होता है उससे क्या होता है ये अलग होता है, पेलियार्टिक जो क्षेत्र होता है ये आता है। इसके अलावा इसकी जो क्लाइमेट है जो हम देखते हैं तो पेलियार्टिक रीजन जो होता है इसके अंदर बहुत ही क्लाइमेट के अंदर बहुत वेराइटी मिलती है, ठंडा भी मिलता है, बिल्कुल टुंड्रा भी होता है, टेम्परेट भी है, ट्रॉपिकल है, और डेजर्ट जो रीजन होते हैं वो भी यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर काफ़ी फ्लक्चुएशंस मिलती हैं। और जहाँ पर फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं वहाँ पर जो होती है बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है। तो ये जो पेलियार्टिक होता है इसके अंदर भी कई जो होती है मेंबर्स की जो हैं जातियाँ जो मिलती हैं, लगभग 28 जो फैमिली मिलती हैं इसके अंदर, लार्ज लैंड जो मेंबर होते हैं उनकी 28 फैमिलीज यहाँ पर मिलती हैं। और इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर लगभग जो बड़े लार्जर जो मेंबर होते हैं स्तनधारी जो होते हैं वो यहाँ पर अब्सेंट होते हैं। इसके अंदर मुख्य रूप से मिलने वाले जो मेंबर्स हैं उनको हम मोल्स कहते हैं, स्र्यूज कहते हैं, रैबिट्स हैं, स्क्वेरल हैं, पोर्कुपाइन है, सेही जिसको हम बोलते हैं, हाइनाज हैं, लकड़बग्घा है, डंकी हैं, तो ये जो हैं यहाँ पर मेंबर्स मिलते हैं। और कुछ जो होते हैं इसके प्रति एंडेमिक भी होते हैं यहाँ पर, जो सिर्फ इसी क्षेत्र में क्या होते हैं वो मिलते हैं। तो ये जो है पहला रीजन था पेली आर्टिक रीजन था। पेली आर्टिक रीजन जो होता है ये जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे इसके नीचे एक साइड में होता है ओरिएंटल रीजन और एक साइड में क्या होता है इथियोपियन जो रीजन होता है ये भी यहाँ पर क्या होता है ये मिलता है। तो इसके अंदर कुछ नी आर्टिक जो रीजन होता है साइड में वहाँ से भी क्यों जो होता है इसके अंदर कुछ जीव आ जाते हैं, जैसे कि बीवर है उसको हम उद बिलाव कहते हैं, वो नी आर्टिक क्षेत्र जो होता है उससे क्या होता है यहाँ पर ये आ जाता है। तो इस प्रकार इसका जो फोना होता है वो मिक्सर होता है ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स और जो न्यू वर्ल्ड है उसके टेम्परेचर क्या होता है ये मिक्सर होता है। नी आर्टिक क्षेत्र जो आता है पहले आर्टिक के बाद जो है नी आर्टिक क्षेत्र आता है। नी आर्टिक क्षेत्र जो होता है इसे हम इसको मैप पर दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जो ये अमेरिका का जो ऐसे ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, फिर ये मैक्सिमम ये हिस्सा यहाँ पर आता है और ये है और यहाँ पर ये आते हैं। जैसे ये तो क्या हो गया पेली आर्टिक हो गया, फिर ये इथियोपियन रीजन हो गया, ये ओरिएंटल होगा, और ये क्या है ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ये नी आर्टिक है, और ये क्या है नियो ट्रॉपिकल रीजन होता है। तो इस प्रकार ये नी आर्टिक जो रीजन होता है ये इसके अंदर जो होता है नॉर्थ अमेरिका है जो ऊपरी हिस्सा जो आता है, मैक्सिको है, और आर्टिक जो तो द्वीप समूह होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ग्रीनलैंड है, ये जो होते हैं ये सभी नी आर्टिक जो क्षेत्र आता है इसके अंदर ये आता है, यानी कि नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट होता है वो मैक्सिको तक जो होता है वो किस में आता है नी आर्टिक रीजन होता है। जैसे कि हम यहाँ पर भी देखते हैं क्लाइमेट जो होता है तो यहाँ पर भी अलग अलग प्रकार के क्लाइमेट मिलते हैं, बिल्कुल एकदम ठंडा रीजन भी होता है जो नॉर्थ पोल के अंदर पहुँच जाते हैं, इसके अलावा यहाँ पर टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन्स भी होते हैं, यहाँ पर भी जो है मुख्य रूप से जो है ग्रास लैंड जो होती हैं वो भी मिलते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो हम मेंबर्स देखते हैं तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी कुल 120 फैमिलीज मिलती हैं इसके अंदर, और 120 फैमिलीज के अंदर से जो हैं
सिर्फ 24 जो हैं वो स्तनधारी वर्ग के आते हैं इसके अंदर। तो जो इसके अंदर जो आता है नी आर्कटिक रीजन आता है, इसके अंदर क्या होता है कि कुछ नियोट्रॉपिकल जो स्पीसीज होती हैं वो, जैसे कि नियोट्रॉपिकल ये होता है कि क्रॉस ओवर कर जाती हैं और वो नी आर्कटिक क्षेत्र में क्या होती है वो पहुंच जाती हैं। और ये जो स्पीसीज होती हैं ये मोस्टली, ये मुख्य रूप से जो होती हैं ये मार्सुपियल होते हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जैसे कि ओपोसम है, नाइन बैंडेड आर्मेडिलो है, ट्री पोर्कुपाइन है, ये जो होती हैं ये नियोट्रोपिकल से क्या होता है नी आर्कटिक क्षेत्र में चली जाती हैं। इसके अलावा जो नी आर्कटिक क्षेत्र जो होता है ये रेप्टाइल के अंदर जो होता है ये रिच होता है, और इस प्रकार से एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट जो एनिमल होते हैं इसमें दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो ये नी आर्कटिक क्षेत्र जो होता है ये आता है। इसमें ये ओपोसम मोल वगैरह है, आर्मेडिलो है, अमेरिकन बाइसन है, खरगोश गिलहरी जो है ये इसके अंदर क्या होती है मिलती हैं। ये यहाँ पर क्या होती है, ये इनकी जीवन तो है, ये फोना है। नेक्स्ट आता है नियोट्रॉपिकल रीजन। नियोट्रॉपिकल जो रीजन आता है जैसे आप पहले बताया था ये नीचे आएगा, यानी कि हम इजली माने कि ये नॉर्थ अमेरिका है और ये क्या होता है फिर साउथ अमेरिका आता है। तो इसके अंदर साउथ अमेरिका है, मैक्सिको है, ठीक है, वेस्ट इंडीज हैं, गैलपेगो आइलैंड होती हैं और फाकलैंड जो होते हैं यहाँ पर ये मिलते हैं। जो गैलपेगो आइलैंड है जिसको हमें लिविंग लेबोरेटरी भी याद है डार्विन के द्वारा आता है। तो ये नियो ट्रॉपिकल जो होता है ये रीजन आता है यहाँ पर। तो जो नियो ट्रॉपिकल आता है जब उसके हम जलवायु के बारे में अध्ययन करते हैं तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर लगभग जो है सारा जो क्षेत्र होता है वो उपयुक्त होता है, अनुपयुक्त कोई भी क्षेत्र इसके अंदर नहीं मिलता है। और इसके अंदर जो है डेजर्ट भी नहीं मिलते हैं नियो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होती हैं। इसमें जो लगभग जो है ग्रास लैंड जो है जिसको हम पंपास कहते हैं वो जो होती है इसके अंदर मिलती हैं। तो ये नियो ट्रॉपिकल और जो हम नी आर्कटिक है इनके बीच में कोई विशेष बाउंड्री भी नहीं होती है और कुछ एनिमल्स का इसमें आपस में माइग्रेशन होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो फोना और जो फ्लोरा मिलता है वो दोनों के अंदर क्या होता है अलग अलग प्रकार का मिलता है। इसके अंदर जो होते हैं लगभग जो हम जब मेंबर्स के बारे में या वर्टिब्रेट्स की जो स्पीसीज होती हैं उसके बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें लगभग 155 जो हैं स्पीसीज मिलती हैं, फैमिलीज मिलती हैं वर्टिब्रेट्स की, और उसमें से जो हैं 40 जो हैं इसके अंदर एंडेमिक है, मतलब इसी के अंदर मिलती हैं। मैमलिया जो वर्ग है उसके अंदर जो है 32 फैमिली यानी 32 कुल मिलते हैं, और उन 32 में से भी जो है 10 जो ऐसे हैं जो इसी के अंदर रहते हैं, यहीं पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो इस क्षेत्र में जो है हैजोग, मोल, बीवर्स आदि जो हैं वो अनुपस्थित होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ओपोसम मार्सुपियल जो होते हैं, ट्री स्लोथ है, आर्माडिलो है, टैपिर है, ये जो खरगोश हैं, हिरन है, गिलहरियाँ आदि जो है से ही भी पोर्क्यूपाइन भी यहाँ पर क्या होती हैं मिलती हैं। तो ये इनकी क्या होती हैं मेमल्स जो हैं जो स्तनधारी हैं जो यहाँ पर मिलते हैं ये उनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट जो क्षेत्र आता है इसका नाम है इथियोपिन। जैसे कि आपको बताया गया था इथियोपिन जो आता है तो ये जो पेरियार्टिक होता है ये इथियोपिन जो रीजन होता है उससे सहारा जो डेजर्ट होता है उसके द्वारा सेपरेट होता है। और जैसे आप देखिए पढ़ेंगे ओरिएंटल जो रीजन होता है ये जो होता है हिमालयन क्षेत्र के द्वारा क्या होता है इससे सेपरेट होता है। तो हम अब पढ़ रहे हैं इथियोपियन जो क्षेत्र आता है जिसके अंदर जो अफ्रीका जो आता है वो क्षेत्र जो इसके अंदर मुख्य रूप से आता है। तो ये समस्त जो अफ्रीका होता है, ठीक है, दक्षिण अरब है, उसके अंदर क्या होते हैं यहाँ पर ये आते हैं। ये जो क्षेत्र होता है ये मुख्य रूप से एक उष्ण कटिबंधीय है जो देश होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर डेजर्ट भी मिलते हैं, कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं जो बर्फ से भी ढके हुए पहाड़ भी होते हैं यहाँ पर है, लेकिन सारा रेगिस्तान भी जो है यहीं पर मिलता है। ठीक है, और सारा जो रेगिस्तान होता है इसको आपको मैंने पता था वहाँ से ये उसको सेपरेट करता है। और इसमें इस प्रकार यहाँ पर भी जो पर्यावरण है उसमें विभिन्नताएं मिलती हैं और उसके हिसाब से ही यहाँ पर जो फोना है, जो फ्लोरा है, उसके अंदर भी जो होती हैं विभिन्नताएं मिलती हैं। स्तनधारी जो प्राणी होते हैं इसके अंदर जो होते हैं मुख्य रूप से जैसे छछूंदर है, खरगोश है, हाथी है, गिलहरी है, पेंगोलिन है, जिराफ है, गोरिल्ला है, चिंपांजी है, बबून है, गेंडा है, जेबरा है, दरियाई घोड़ा है, हिरन है, बकरी, भेड़, लोमड़ी, बिल्ली, जंगली घोड़े आदि जो होते हैं ये सभी जो होते हैं स्तनधारी ये इस इथियोपियन जो रीजन होता है ये यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा इसमें
इंसेक्टिवर्स जो होते हैं ये भी यहाँ पर क्या होते हैं, काफ़ी अच्छे प्रकार से मिलते हैं। यूरोपियन रीजन जो होता है इसके अंदर जो है स्तनधारियों के 38 कुल मिलते हैं और उन 38 फैमिलीज में से 12 फैमिली ऐसी हैं जो इसकी एंडेमिक होती है, यानी कि यहीं पर होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जिराफ है, दरियाई घोड़ा है और कुछ इंसेक्टिवोरा जो होते हैं उनके जो ऑर्डर होते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। तो ये है इथियोपियन रीजन आता है। नेक्स्ट जो है इथियोपियन के बाद जो आता है वो है ओरिएंटल रीजन आता है। तो ये जो ओरिएंटल रीजन आता है इसके बारे में आपको इसमें यहाँ पर बता भी दिया था, ये इन दोनों से पहले आर्टिस्ट से कैसे ये अलग होता है, इसके अंदर भी जो होते हैं अलग अलग क्षेत्र मिलते हैं। तो ओरिएंटल जो रीजन आता है इसके अंदर आता है एशिया है, ट्रॉपिकल पार्ट्स ऑफ इंडिया है, बर्मा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इंडो चाइना है, साउदर्न चाइना है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है उसको छोड़ के बलूचिस्तान को जो आगे आया था, ये जो फिलीपींस हैं ये जो होते हैं यहाँ पर मिलते हैं। और इनका जो क्लाइमेट होता है वो भी विविध प्रकार का इसमें क्लाइमेट जो होता है मिलता है। इसमें उष्णकटिबंधीय वन भी है, मरुभूमि भी है, सूखे पठार भी हैं और कुछ ऐसे भी पहाड़ी क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर क्या होती है बर्फ भी मिलती है। इसके अलावा ये जो है ग्रासी प्लेन्स भी मिलते हैं, बुशिस भी जो होती है यहाँ पर ये मिलते हैं। और इस ओरिएंटल रीजन के अंदर क्या होता है नॉर्थ वेस्ट साइड जो होती है उसमें इसमें डेजर्ट होते हैं और इसकी जो साउदर्न साइड होती है उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं और उससे जो एनवायरमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड जो एनवायरमेंट है वहाँ पर ये होता है। तो ये आता है। तो इसके अंदर और भी हम देखते हैं तो इसके अंदर जो होता है ईस्ट वेस्ट साइड के अंदर जो होता है इसके अंदर पैसिफिक और इंडियन ओशन होते हैं और साउथ साइड में क्या है ये मलयान आइलैंड से क्या होता है ये सेपरेट होता है। तो ये जो है ओरिएंटल रीजन जो होता है उसके अंदर आते हैं। यहाँ पर मेंबर्स जो होते हैं मेंबर्स के 30 कुल जो होते हैं यहाँ पर मिलते हैं और मेंबर्स के अंदर क्या आता है जैसे कि इसके अंदर खरगोश है, गिलहरी है, चूहे हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली, हैजहॉग, सेही चूहा, लोरिस, पांडा, पेंगोलिन जो है ये हाथी है, छछुंदर है, गिपन है, ये जो होते हैं यहाँ पर जो स्तनधारी हैं ये मुख्य रूप से जो होते हैं इस ओरिएंटल जो रीजन होती है ये यहाँ पर मिलते हैं। लास्ट है इसके अंदर और उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन रीजन आता है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था ये जब ग्लोब देखते हैं तो उसके अंदर जो होता है बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र होता है वहाँ पर जो होता है ये आते हैं ऑस्ट्रेलियन रीजन, जिसमें न्यूजीलैंड है, तस्मानिया है, पॉलिनेशिया है और ऑस्ट्रेलिया जो आता है पूरा वो इस क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ पर जो वातावरण होता है वो बहुत शुष्क होता है और यहाँ पर जो मरुस्थल होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में मिलते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण प्रकार की जो यहाँ पर जलवायु परिवर्तित होती है। ऑस्ट्रेलियन रीजन होता है इसके अंदर जब हम स्तनधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं तो जो हायर वर्ग है जिसको हम प्लेसेंटल बोलते हैं वो जो होते हैं यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं। इसके अंदर जो है लोअर जो कोडेड होते हैं वो मिलते हैं जैसे कि मोनोट्रीम्स। मोनोट्रीम जो होते हैं ये ऐसे होते हैं जो एग लेइंग मैमल होते हैं, इसमें सिर्फ दो ही आते हैं ऑर्निथोलिंकस और टैकिग्लोसस जो होती हैं ये यहाँ पर ही आते हैं। फिर मार्सुपियल होते हैं, ये इनके थोड़े से एडवांस हो गए मार्सुपियल्स में, तो ये अपने बच्चों क्या होते हैं एक पाउच के अंदर रखते हैं, उनके जो गेस्टेशन पीरियड जो होता है मार्सुपियल का सबसे कम होता है। तो ये जो मार्सुपियल होते हैं इसमें ओपोसम है, ये वगैरह बेंडिकट है, कंगारू है, ये जो होती हैं इस क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। यूथेरियान जो होते हैं यहाँ पर बहुत कम मिलते हैं, कुत्ते हैं, खरगोश हैं, चमगादड़ हैं, ये जो हैं इसके अंदर मिलते हैं, चूहे हैं, गिलहरियाँ जो है आदि जो है यहाँ पर मिलती हैं। तो इस प्रकार ये जो है 6 जू जियोग्राफिकल रीजन्स थे और इसमें जो अलग अलग प्रकार की फोना के अंदर स्पेशली जो है मैमल्स कौन कौन से मिलते हैं उनके बारे में आपका भी पढ़ाया गया था।